देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज के बुलेटिन कौमी खबरों में आपका इस्तकबाल है, मैं हूं नौशीन। नाज़रीन, हुकूमत और किसानों में लगातार तातुल बरकरार है। किसान और हुकूमतों के माबैन तातुल को देखते हुए किसान तंजीमें ज़रई कवानीन की वापसी तक पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हैं और अपनी तहरीक में मज़ीद शिद्दत ला रही हैं। दीगर रियासतों से भी किसान दिल्ली पहुंच रहे हैं और दिल्ली बॉर्डर पर ज़बरदस्त जम कफिर देखा जा रहा है। किसानों ने दिल्ली नोएडा का चिला बॉर्डर बंद करने का ऐलान किया है और उधर हुकूमत भी अपने मौक़िफ़ पर लगातार कायम है। उसका कहना है कि किसानों को बरगलाया जा रहा है और ज़रई कवानीन उनके मफाद में है। गुज़िश्ता रोज़ खुद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ज़रई कवानीन को किसानों के लिए सूदमंद करार देते हुए कहा कि हिज़्ब इख़्तिलाफ़ किसानों को गुमराह कर रही है, इन्हें खौफज़दा कर कर मुश्तइल किया जा रहा है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में आज बुध के रोज़ किसान तहरीक से मुतालिक अर्जियों पर समाअत की जाएगी। ये अर्जियां दिल्ली के सरहदों पर मजमा लगाने, कोरोना की रहनुमायाना हिदायत पर अमल ना करने के खिलाफ हैं। इसके अलावा अर्जियों में किसान तहरीक में इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जी, पुलिस एक्शन और किसानों के मुतालबात भी लगातार शामिल हैं। चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े, जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस वी राम सुब्रमण्यम की बेंच इस मामले की समाअत करेगी।